वाहे गुरु वाहे गुरु गरीब निवास
हम बारिक मुगदियान, हम बारिक मुगदियान, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, हम बारिक मुगदियान, बारिक मुगदियान, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल विगार, 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 जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, हम बारिक मुगदियान, बारिक मुगदियान, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे,
जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे, जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे। ज्योति जो खावेंगे, जन नानक शरण द्वारे हर लाज रखावेंगे, हर लाज रखावेंगे, हर लाज रखावेंगे, हर लाज मुगदान। हम बारक मुगदान पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, हम बारक मुगदान। बारक मुगद ज्ञान पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे। हम बारक मुगद ज्ञान पिता समझावेंगे, हम बारक मुगद ज्ञान पिता समझावेंगे, बारक मुगद ज्ञान चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले, सर्प अगन कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे आनंद सहज तब खेले, आनंद सहज तब खेले। हम मूर्ख मुगद ज्ञान पिता समझावेंगे, हम मूर्ख हम बारक कछु न जाने गत मित, हम बारक कछु न जाने गत मित, तेरे मूर्ख मुगद ईयाना, तेरे मूर्ख मुगद हर कृपा तार दीजै मत उत्तम, हर कृपा तार कर लीजे मुगद सियाना, कर लीजे मुगद सियाना। हम बारक मुगद ज्ञान पिता समझावेंगे, हम बारक मुगद ज्ञान पिता समझावेंगे। ध्यान देना, बड़े खूबसूरत प्रमाण देख के सतगुरु जी समझाते पे।
कहिंदे चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अगन कर मिल। ये बारक का दृष्टांत दिता। अज बाणी दे विचों प्रमाण ये लेने ने, मापियां दी की जिम्मेवारी बनती है अपने बच्चियां प्रति। पिछले दो दीवाना दे विच सतगुरु जी ने सेवा ली, रिस्पोंसिबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन टूवर्ड्स द पेरेंट्स। हुण सतगुरु सेवा लैण सिर ते हाथ रख के, क्योंकि ग्रस्त मार्ग है, ग्रस्त दे विच हरेक दियां अपनियां अपनियां जिम्मेवारियां ने, हरेक दियां अपनी अपनी जिम्मेवारियां ने। जिथे बच्चियां दी जिम्मेवारियां ने मापियां प्रति, उत्थे मापियां दी जिम्मेवारी है बच्चियां प्रति। और केड़ी खूबसूरत प्रमाण दे के सतगुरु समझा रहे हैं। कहिंदे हम बारक मुगद इयान पिता समझावेंगे। मापिया की रिस्पोंसिबिलिटीज है। बच्चा तो इयाना है, बच्चा तो चंचल बिरती का है, बच्चे नू सोझी नहीं, पर इत्थे रिस्पोंसिबिलिटीज मापिया की सतगुरु दिखा रहे ने। कहते इतों मापिया की रिस्पोंसिबिलिटी शुरू होती है कि पिता समझावे। चंचल मत बारक बपरे की, ये चंचल मत है बच्चे दी। सर्प अगन कर मिल, अपनी बुद्धि दे नाल ओ अग नू ओ सप नू खेडण दी चीज समझदा है, इंजॉयमेंट दी चीज समझदा, एंटरटेनमेंट दी चीज समझदा, ते हाथ पाण चले जांदा। पर साहिब कहिंदे ने, कहते चंचल मत बारक बपरे की, सर्व अगन कर मिल। साहब कहते माता पिता कंठ लाए रख है, कहते ओने तो हाथ पाने की कोशिश की, पर मां बाप तो सियाने ने ना। जे गलत ट्रैक दे विच बच्चा जा रहा, गलत रस्ते ते पै रहा, ये मापियां की रिस्पोंसिबिलिटीज इत्थे बनदियां। हुण अज दे दीवान विच सच्चे पातशाह सिर ते हाथ रखण आ सेवा लैण। ये तकरीबन सात संगत इस कंसैप्ट नूं असीं दो या तीन दीवाना दे विच विचार करांगे कि मापियां की रिस्पोंसिबिलिटीज अपने बच्चियां प्रति की है। पहली कैटेगरी असीं बनाई है, वो बच्चे जिहड़े बचपन तो जन्म तो लैके कुवारेपन तक, हाले विआह नहीं होया, ये एक कैटेगरी, विआह तो पहले दी एक कैटेगरी। उहदे प्रति मापियां दी की जिम्मेवारी है। सैकेंड कैटेगरी बनेगी जदों उस बच्चे का विआह हो गया, भावें कुड़ी है भावें मुंडा, उहनां दे प्रति फिर माँ प्यो का की फर्ज बनता। ते उस कॉन्सैप्ट नाल नाल नू पुत्र दा धी जवाई दा अगे की रिस्पोंसिबिलिटीज बनदी। अज सतगुरु सेवा लैण कि वह बच्चे भावें वह कुड़ी है भावें मुंडा है, जन्म तो लैके जब तक विआह नहीं होंदा उदों तक दी ये रिस्पोंसिबिलिटीज आपां सतगुरु सिर ते हाथ रख के सेवा लैण। सत संगत पिछले दीवाना दे जो सतगुरु जी ने सेवा ली, मैनू आम संगत दे विच भी बड़ा रिस्पोंस मिले, बड़ा रिस्पोंस मिले। बच्चियां दे लई अवेयरनेस सी अपने माँ प्यो प्रति, और सच्चाई है मैनू कई मापियां दे फोन आए, कहिंदे दीवान सुन के ना जिहड़े बच्चे साढ़े इत्थे बैठे। मैं पिछले तो पिछले दीवान च एक गल कही सी कि आ पिछले दीवान दे विच
अपने बच्चों जरूर लेके आए। वो कहिंदे असी वाकई तब्दीली वेखदे ने, वाकई तब्दीली कहिंदे भावें बहुती नहीं थोड़ी थोड़ी तो वेख रहे, थोड़ी थोड़ी वेख रहे। मैनू खुशी हुई, इस चीज़ की खुशी हुई कि चलो जिस विषय की लोड़ सी जदों लाना शुरू किया, ये टेपा हुण चैनलों च चलणगे पता नहीं, चलो चंद ही इस चीज़ नू एक्सैप्ट करके तुर पैण, आ दीवान लाए सफले हो जाण, सफले हो जाण। साहब कहिंदे ने चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर वेल, ते दूजी थां ते मेरे सतगुर कहिंदे कहिंदे हा मुबारक कछू ना जाना गत मित। ओदा ये पंगतियां निरंकार वास्ते ने कि तुसी मां प्यो हो। दास ने पिछले दीवान दे विच ये गल कही सी कि सतगुरु जी ने रब नू भी मुखातब किया ना, ते सब तो पहले मां दे गुण दे विच पिता दे गुण दे विच पेश किया, आखो सतनाम पिता। कहिंदे तेरे अंदर मां वर्गी ममता है, मां वर्गा स्नेह है तेरे अंदर, हे परमेश्वर पिता वर्गी संभाल है तेरे अंदर। जिवें एक पिता संभालदा है ना अपने बच्चे नू, पिता एक बौड़ दे दरख्त दी तरह है जिदी मिठी संघनी छां दे थले परिवार पिया सुख माणदा। आखो सतनाम। कहिंदे हे हरी तू ऐसा पिता है, तेरी छां तेरी मिठी संघनी छां दे थले आ जगत पिया आनंद माणदा है। बस उस चीज़ नू नाल नाल अपना ग्रस्त धर्म दे विच भी नाल रिलेटेड करते हुए चलांगे। साहिब कहिंदे हम मुबारक कछू ना जाने गत मित, तेरे मूरख मुगद याना, तेरे मूरख मुगद याना। कहिंदे मैं तेरा मूरख मुगद याना पुत्र हाँ, हर कृपा धार दीजे मत उत्तम। कहते आ प्यो वाली जिम्मेवारी तू निभा, हर कृपा धार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुगद सियाण। हुण प्यो की भी यही जिम्मेवारी बनती है, मां की भी आ जिम्मेवारी बनती है कि पुत्र तो मुगद है मूर्ख है इयाना है, पर कृपा धार दीजे मत उत्तम, पिता समझावेंगे। शुरू तो असी शुरू होने, कहिंदे जदों बच्चा जमे है शुरुआत सात संगत। आम किया जांदा है मदर इज द फर्स्ट टीचर, बच्चा स्कूल चे बाद चे जाएगा पहले सिखियावां वो मां प्या को सीखेगा, प्यो भी बाद च मां को पहले सीखेगा, मां दे कोलों सब तो पहले सीखेगा। बड़ा कुछ निर्भर करता है मां दे उपर कि वो अपने बच्चे नू की कुछ सिखाती है, की कुछ सिखाती है। बच्चा कॉपी करता अपने मां प्या नू, फॉलो करता। जिदा जिदा तुसी घर का माहौल बनाओगे उदा उदा उस माहौल की छवि तुहाडे बच्चे के उपर आती जाएगी। ध्यान देना घर दे विच बोली ठीक नहीं मापिया की, यह सच्चाई है, बच्चे की भी बोली सही नहीं होएगी। मां प्यो का घर सुभा कौड़ा है माड़ा है नफरत वाला है, बच्चे का भी उदा बनता जाएगा। जिदा का सुभा मां प्यो का होएगा बच्चा कॉपी करने की कोशिश करेगा। हुण तेरी रिस्पोंसिबिलिटीज इतों शुरू हो गई हैं, तू कितना देखना चाहती है मां अपने बच्चे, जिदा वेखना चाहती है ना, बस घर के माहौल में उदा ढालना शुरू कर दे। आखो सतनाम।
घर के माहौल तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। मां प्यां दे फर्ज बनते ने बच्चे प्रति। मां गुरु दे नाल अपने बच्चे नु जोड़, जे उहदा चंगा भविख चाहुंदी, गुरबाणी दे नाल धर्म दे नाल जोड़ दे उन्हों, जो उहदा चंगा भविख चाहुंदी। हर मां बाप चाहुंदा है कि मेरे बच्चे का चंगा भविख बने, पर मैं वेखदा बच्चा जमदा है, अज बच्चे तो मां प्यो की गोदी खुस जाती, मां की गोदी खुस जाती, बच्चा जमदा आए दे हाथ दे विच पलिया जाता, अज मां की गोदी बच्चे को खुस गई। जिस गोदी दे विच बच्चे ने बहुत कुछ गुरमत की गल सीखनी सी, बहुत कुछ धर्म की गल सीखनी सी, अज गोदी आ गई आया दी। मां नू बच्चे दे प्रति ना कोई ऐसा स्नेह रह गया, ना कोई ऐसा लगाव रह गया कि अपनी रिस्पोंसिबिलिटीज पूरी कर सके। ध्यान देना, मां अपनी रिस्पोंसिबिलिटीज तो दूर होती जा रही। अज का जेड़ा माहौल है, अज का जेड़ा कल्चर है, जिन्हों आप मॉडर्न सोसाइटी कहेंगे, कदे फैशन प्रस्ती दे विच मां लगी है, कदे किटियां दे विच मां लगी है, जिन्हां ते कृपा है दास उन्हां दी गल नहीं करता, पर बहुतात थावां ते देखिया जांदा है कि हो रहा है जी, बच्चे कोलो मां दी गोदी क्यों खुस गई, क्यों खुस गई जी, क्यों अज मां बच्चे नू गोदी च बिठा के अपने कोल बिठा के सिख्यावां नहीं दे रही। सही मायने दे विच अज ना मां दे कोल समा रह गया, ना बाप दे कोल समा रह गया। आखो सतनाम। मां दी अपनी एक सोसाइटी बन गई, प्यो दी अपनी एक सोसाइटी बन गई, आया दे हाथ दे विच साडा बच्चा चला गया, आया दे हाथ दे विच की कुछ सीखेगा जी, वो की कुछ सीखेगा आया दे हाथों। मां गुजरी कोलो सिख, मां जिंदा कोलो सिख, ध्रुव दी माता कोलो सिख, बाबा फरीद दी माता कोलो सिख। जे अपने बच्चे का भविख चाहुंदियां सत्संगत इतिहास कदे पढ़ के वेखो, मां जिंदा दा, महाराणी जिंदा दा, महाराजा रणजीत सिंह जी तो बाद गोरिया ने बहुत चलाकी दे नाल महाराजा दलीप नूं बाहर भेज दिता। दास खाली संखेप मात्र तुहाडे चरणां च इतिहास रखना चाहुंदा, बाकी तुहानूं पता ही। मां दा फर्ज देखो की है, मां दा फर्ज की, मां ने अपने बच्चे नूं सिक्खी दी गुड़ती दित्ती है, और ऐसी गुड़ती दित्ती है कि गुरु ते गुरु दी बाणी उहदे नस नस दे विच वड़ चुकी है। पर जदों गोरे ने वेख्या, अंग्रेज ने वेख्या कि जे ए महाराजा दलीप अपनी मां दे कोल रहा, उदों महाराजा दलीप नूं राज तिलक दे दिता गया, ते एक कमिटमेंट हो गई है कि जदों ए होश संभालण जोगा हो जाएगा, जदों ये राज संभालण जोगा हो जाएगा तो पंजाब का राज नूं दे दिता जाए, तो इहदी तालीम वास्ते इहनूं इंग्लैंड भेज दिता जाए, इहदी तालीम वास्ते इहनूं बाहर भेज दिता जाए। दो इहदे विच सतसंगत सोचां सन गोरियां दीआं, एक तां बाहर भेज के इहनूं इहदे कल्चर तों दूर कर दिता जाए, एक इहनूं बाहर भेज के मां तो अलग कर दिता जाए, वो मां जेड़ा एदे अंदर सिक्खी का जज्बा भरती है, सिक्खी का जज्बा भरती ना ए सिख रहेगा, ना ए सिक्खी रहेगी,
ते कहिंदे जदे ये तख्त संभालेगा ते ये सिक्खी तो पतत होके साडे मुताबक राज चलाएगा। आखो सतनाम भेज दिता गया। उत्थे परवरिश की गई गोरियां दे हाथ दे महाराजा दलीप की परवरिश हुई। ईसाई दाइयां दे हाथ दे विच उहदी परवरिश हुई। सिक्खी तो दूर कर दिता गया, केस मुण दिते गए, पूरा अंग्रेज बना दिता गया, अंग्रेज फिलोसफी उहदे अंदर पा दित्ती गई, अंग्रेजी सिद्धांत उहदे अंदर पा दिते गए, ईसाइयां दे सिद्धांत सारे। 22 सालां बाद मां दा मेल होना जी कलकत्ते एयरपोर्ट दे विच। 22 सालां बाद महाराजा दलीप नूं भी अंदर तड़फ उठी पई है, मैं मां नूं मिलना। इधरों मां सात संगत रो रो के विजोग दे विच इतिहास लिखदा अन्नी हो चुकी सी, महाराणी जिंदा दी अखां दी रोशनी चली गई सी, अन्नी हो चुकी है। एयरपोर्ट दे विच कलकत्ते मेल होया, जदों महाराजा दलीप नूं दस्या गया ओ तेरी मां है, अंदर खिच पई हुई सी। महाराणी जिंदा नूं कहा गया कि आ तेरा बच्चा दलीप आ रही, अगे होके मिल लै, जां अगे होके मिलिया मत्था चुमना चाहिया, सिर ते हाथ जदों फेरिया, सिर ते क्या हाथ फेरिया, जदों वेख्या केस ही नहीं पिछे हो गए, मां जिंदा पिछे हो। बह मार के रोन लगी, कहिंदे ओ दुनिया दे लोको मेरी अन्नी दे नाल मजाक ना करो, मेरे नाल मखौल ना करो, कोई होर लिया के तुसी दलीप बना के खड़ा कर दोगे ते मैनू तुसी धोखा दे दोगे। कहिंदे मैं एक मां हां, इन्हां हत्थां दे नाल मैं अपने बच्चे दी गुत गुण दी रही, जूड़ा करती रही, केस वाउंदी रही। कहिंदे इन्हां हत्थां नूं पछाण है उन्हां केसां दी, जिस सिर ते केस नहीं वह मेरा दलीप नहीं हो सकता। देखे ध्यान देख, आ मां का रोल है, ये मां का रोल है। कहिंदे जिस सीस ते केस नहीं वह मेरा दलीप नहीं हो सकता। इधरों दलीप रोई जावे, कही जावे मां मैं ही तेरा दलीप। कहिंदे बच्चिया झूठ ना बोल, मेरे दलीप दे सिर ते केस सन, मेरे दलीप दे कोल गुरु का सिद्धांत सी, मेरे दलीप दे कोल गुरु की मत सी, और जिदे सिर ते केस ही नहीं, कहिंदे उहदे कोल गुरु का सिद्धांत की रहेगा ते मेरे दिता ज्ञान की रहे, नहीं तो मेरा दलीप नहीं हो सकता। रो रो के चरणा ते डिगा, कहिंदे मां मैं ही तेरा दलीप हां, ते अज तो बाद मैं वादा करदा तेरे नाल कि आ दलीप हुण तेरा दलीप बन के दिखाएगा, गुरमत विच आएगा, दलीप फिर तो केस रखेगा। को सतनाम ते कहिंदे इतिहास पढ़ो सात संगत, दलीप ने केस रखे, जदों केस रखे गुरमत विच आया, मां ने सीने ना लाया। हुण इथों की कढोगे, मां दा किड्डा वड्डा रोल सी, मां सी ते सिक्खी सी, मां विछड़ गई सिक्खी गई, और मां फिर मिल गई सिक्खी फिर आ गई। आखो सतनाम। अज बच्चे कोल मां है, अज बच्चे कोल, दलीप दी तां मां विछड़ गई सी ते सिक्खी विछड़ गई ना, अज मां बच्चे कोल है, फिर भी सिक्खी तो दूर है तेरा बच्चा। मां सच जानी तू बच्चे कोल होंदी होए भी बच्चे कोल नहीं है। आखो सतनाम। जे मां जिंदा फिजिकली विछड़ी ते सिक्खी गई ना, तू कोल होंदिया भी सिक्खी तो दूर है तेरा बच्चा, ते समझ लई तू कोल होंदिया भी दूर है, कोल होंदिया रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल। मां आओ किवें सतगुर कहिंदे ने, मुबारक मोगे दे इयान, मुबारक मोगे दे
ज्ञान पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे। सुत खिन खिन भूल विगार, सुत खिन खिन भूल विगार, सुत खिन खिन भूल विगार, सुत खिन खिन भूल विगार। जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे। हम बारक मोगे दियान, हम बारक मोगे दियान, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे। साहिब कहते बारक ता इयानी मत दा है, फर्ज ता मापियां दा सी, ठीक है। अज महंगाई दे जोग करके मां नूं नौकरी करनी पैंदी, जिदे करके आया रखी जाती। कई कहिंदे होणगे जी हुण पूरी नहीं पैंदी, सानू नौकरी करनी जरूरी है, काम करना जरूरी, फिर बच्चे कित्थे रखी, बच्चे आया कोली पलणगे, आया कोली पलणगे। जे तेरे अंदर गुरसिखी लई प्यार होया ना, तू रस्ते लभ लेगी। आ मैनू किसी ने दसिया जी, मैनू गल बड़ी चंगी लगी, वो मियां बीबी दोनों ही नौकरी करने वाले हैं। सवेर तो लैके तकरीबन शाम तक आया संभालदी है बच्चा, सिख आया रखी है उन्होंने। तो उन्होंने मापिया ने की कीता, आया नू कहता कहिंदे आ तेरी जिम्मेवारी बनती है, रोज बच्चे नू इन्नी इन्नी चीज सिखाई जानी है, रोज रोज बच्चे नू सिलेबस देता उन्होंने माड़ा माड़ा, कि जपजी साहब दियां दो पौड़ियां, चुपई साहब दे इन्नी पौड़ियां, मूल मंत्र इदां बच्चे नू तू सिखाई जाना हौली हौली। देखो आया दे हाथ च तेरा बच्चा गया, पर तेरा शौक होवे मेरा बच्चा गुरसिखी दे नाल जुड़िया रवे, आखो सतनाम। जे घर दादियां ने, जे घर दादे ने, दादा दादी घर ने ना, उन्हां दी की जिम्मेवारी बनती है जी। अज रिस्पोंसिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स है, पेरेंट्स दे विच दादा दादी भी आ गए। जे मापे गए ने घर, तुसी आया नहीं रखी, दादा दादी हैगे ने, हुण दादा दादी दा फर्ज बनता है, दादा दादी अपने रिस्पोंसिबिलिटीज तो मुनकर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ओए अज ओ दादी दी लोड़ है जेड़ी दादी अपने बच्चियां नू गुर इतिहास दे नाल जोड़े, अपने बच्चियां नू गुरबाणी नाल जोड़े, रोज जपजी साहब दी इक इक पौड़ी याद करावे, सुखमनी साहब दियां चार चार लाइनां ही भावें याद करा, भावें एक अष्टपति दे अठ पदे होंदे ने, एक एक पदा रोज याद करवा। ये तेरी जिम्मेवारी है दादी, तू रोल अदा कर, जो मां गुजरी दादी ने रोल अदा कीता सी, आखो सतनाम। जे घर च दादा दादी ने, वो ये नहीं कह सकते कि सारी जिम्मेवारी मापिया दी है जी, सारी जिम्मेवारी मापिया दी, नहीं, ये तुहाडा भी मुढ़ला फर्ज है, मुढ़ला फर्ज अपने बच्चियां दे। तुसी ऐसी अख दे नाल वेखना, आई वॉच रखनी है कि तुहाडा बच्चा कर की रहा। असी अपने बच्चों एक्टिविटीज कराने,
शौक रखते हैं। मेरा बच्चा डांस कॉम्पीटिशन च जाए, मेरा बच्चा सिंगिंग कॉम्पीटिशन च जाए, मेरा बच्चा फलानी थान ते, हर एक्टिविटीज़ दे विच तू अपने बच्चों नू पांदी है। पिता नू शौक होंदा मेरा बच्चा इस एक्टिविटीज़ विच इस एक्टिविटीज़ दे विच जावे। वो कदे शौक रखे ही कि मेरा बच्चा संगत विच बह के कीर्तन भी करे, आखो सतनाम। कदे स्टेज दे उपर बह के वह भी कीर्तनियां वांग कीर्तन करे, वह भी गुरमत का प्रचार करे। शौक रख मां कि मेरा बच्चा भी कीर्तनिया बने, मेरा बच्चा भी गुरमत का धारनी बने। उन्हों वो जी एक्टिविटीज वाल लगा, क्योंकि जिदा जिदा तुसी बचपन दे विच ही अपने बच्चे नू शौक पाओगे ना। मां कहिंदी बेटा डांस सिख, मैं तेनू अज बड़े डांस शो हो रहे हैं उहदे विच भेजना चाहती हूँ, उत्थों इनाम जित। हुण बच्चे का इंट्रस्ट तुसी डांस दे विच पाता है, गाणियां च पाता है, होर दुनियावी चीज़ां च पाता है, ते फिर बाद च तुसी तब्दील करना चाहोगे उसका इंट्रस्ट की हो जाए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ मां, समझ। हम बारक मुगद इयान, कहते मैं एक मुगद इयान बारक हां, पिता समझावेंगे। बाद च तू बच्चे का दोष कढ दी, बच्चा तो एक इनोसेंट सी, बच्चा तो इयाना सी, पिता समझावेंगे। मापिया की रिस्पोंसिबिलिटीज बनती सी उस वेले ट्रैक च लियांदी, उस वेले अपने बच्चे नू ट्रैक च लियांदी, सही ट्रैक च लियांदी, नहीं लियांदा ते बाद च की होंदा। ओह बच्चा जदों ट्रैक गलत निकलदा, गलत ट्रैक ते चला जांदा, माड़ी संगत च तुर पैंदा, फिर मार होंदी फिरदी, फिर मार होंदी फिरदी, फिर कुरलांदी फिरदी है। मेरे बच्चे नू कोई सीधा कर दे। ओ मां तू ही अपने बच्चे नू सवार सकदी सी, तू ही अपने बच्चे की जिंदगी निखार सकदी सी, उन्हूं तरक्कियां ते लैके जा सकदी सी। हर तालीम दिओ बच्चे नू, हर तालीम दिओ। मापिआं दा शौक होंदा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, वड्डा जज बने, वड्डियां पोस्टां ते बैठे। मैं सच कह दिया मां एक ख्वाहिश माड़ी नहीं, तेरा बच्चा वड्डियां पोस्टां ते बैठे, पर जे जज दी पोस्ट ते बैठे, जज दी कुर्सी ते बैठे, गुरमुख जज बन के बैठे, आखो सतनाम। गुरमत पहले उहदे कोल हो, जे डॉक्टर दी कुर्सी ते बैठे डॉक्टर बन के, गुरमुख डॉक्टर बन के बैठे। जे इंजीनियर दी पोस्ट च, वड्डे इंजीनियर दी पोस्ट च बैठे, उहदी कुर्सी ते बैठे, गुरमुख इंजीनियर बन के बैठे। पहले गुरमुखता आवे, पहले धर्म दी पढ़ाई उहनूं सिखा। ऐब की कहदी, हम बारक मुगद इयान, हम बारक मुगद इयान, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे। अदास ने ना एक वीडियो वेखी, उहदे च शेख अतुल्ला खान इस्लाम धर्म दे सूफी संत ने, वो प्रचार पे करदे सन अपने धर्म दा। कहिंदे मैनू साउदी अरब जाण दा मौका मिलिया, ध्यान देना, साउदी अरब जाण दा मौका मिलिया। कहिंदे मैं जदों उत्थे गया, किसी ने मैनू बेनती कीती कि उन्हां दा कोई रिश्तेदार हस्पताल दे एडमिट है, उन्हूं देखण चल। कहिंदे मैं चला गया, जदों हस्पताल गए उत्थे समा ज़्यादा लग गया। कहिंदे इधर मेरे नमाज का वेला हो गया। हुण कहिंदे मैं उन्हूं कहा मस्जिद किधर है, आपां नमाज अदा करनी। तो किसी ने कहा कहिंदे हस्पताल दे विच ही ना मस्जिद बनी है, आप जी इत्थे अदा कर। कहिंदे चंगा। कहिंदे जदों हुण मैं हस्पताल तो निकल के उसी कैंपस दे विच ही मस्जिद सी, कहिंदे जदों मैं मस्जिद च जा रहा ना नमाज अदा करन वास्ते, तो कहिंदे मेरे मन दे चलदा पिया कहिंदे हस्पताल दे विच मस्जिद खोलती इन्हां ने, कहिंदे कौन नमाज अदा करदा होएगा इत्थे आके।
ध्यान ना सुनो, कौन नमाज अदा करता हैगा, वेली पई रही होगी मस्जिद। कहते जो मैं अंदर वलिया मेरी हराणी की हद ना रही, मस्जिद पूरी दी पूरी साध संगत भरी हुई, और भरी कि डॉक्टर के नाल हस्पताल के स्टाफ के नाल आखो सतनाम। कहते मैं हैरान हो गया, कमाल हो गई भाई, ये सारे नमाजी ने नमाज पढ़ने वाले। कहते मैं भी जाके बह गया कतार दे, मैं भी लग गया भाई नमाज अदा कर दी। कहते उस तो बाद मेरी होर हैरानी की हद ना रही, जिहड़ा एक आगू आंदा नमाज सारिया दे फिर पढ़ांदा, कहिंदे वह एक नौजवान मुंडा, नौजवान मुंडा आया सामने आके खड़ा हो गया। कहिंदे जदों मैं वेख्या इन्हे नमाज पढ़ानी है सारे, मैं हैरान हो गया इन्हे नमाज पढ़ानी। कहिंदे वह डॉक्टर सी, उस हस्पताल का सीनियर डॉक्टर, आखो सतनाम, नौजवान मुंडा सी सीनियर डॉक्टर सी। ते कहिंदे मेरे मन दे विच ना प्रश्न चल रहे ने, इन्हें नमाज पढ़ानी। कहिंदे जदों उस नौजवान मुंडे ने जिहड़ा सीनियर डॉक्टर सी उत्थे दा, कहिंदे जदों उन्हें नमाज शुरू की, इन्ने प्यार दे विच, इन्नी भावना दे विच, कहिंदे इन्ने रंग दे विच उन्हें नमाज पढ़ी, इन्ने अंदरों भावक हो गए। कहिंदे मैं सच कह रहा, मेरिया अखां भर गई, अखां भर गई, तो मैं अपने मन दे जे गल कह रहा सी, धन ए ते धन इन्हां दे वालिद, आखो सतनाम, वालिद कहिंदे मां प्यो, कहिंदे धन ए ओ धन इन्हां दे मापे जिन्हां ने इहनूं इन्नी सोहणी तालीम दित्ती। डॉक्टर बन जाना माड़ी गल नहीं, पर कहिंदे नाल धर्म तां रख, नाल धर्म तां रख, तेरा बच्चा वड्डी पोस्ट दे उपर बैठा होवे, वड्डा डॉक्टर होवे, पर होवे अमृत वेले दा धारनी, अमृत वेला संभाल के पूरा नितनेम पंजा बाणियां दा करके सुखमणी दा जाप करके जावे ना जिथे मर्जी, आखो सतना मां ए तेरी ड्यूटी है, ए तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पिता ए तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बारक मोगे दे यान, हम बारक मोगे दे यान, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे। देखो ये तो सी गल जेड़े ओ बच्चे जिहड़े हाले छोटे ने, कई मापे कहिंदे ने, कहिंदे जी साडा बच्चा बचपन च बहुत जुड़िया सी, जदों जदों वड्डा हुंदा गया, स्कूल गया, कॉलेज गया, कहिंदे विगड़ गया, हाथों बाहर निकल गया, कहिंदे ना इत्थे आके तेरियां कुछ रिस्पोंसिबिलिटीज़ बनदी, रिस्पोंसिबिलिटीज़ बनदी नाल ड्यूटीज़ है तेरी। जदों बच्चा वड्डा हुंदा जावे, जिहड़े मापे अपने बच्चियां दे नाल हफ्ते बाद दस दिन बाद काउंसलिंग करते ने, मैं अक्सर वेख्या उन्हां दे बच्चे सही ट्रैक च चलते रहिंदे ने, आखो सतनाम। अज मापियां नूं समझ ही नहीं है बच्चियां दे नाल काउंसलिंग करन दा, तुहाडे चों किहड़े मापे हैगे है जी, सच सच दस्सिओ, सच झाती मार, जिहड़े अपने बच्चियां दे नाल हर दस दिन बाद पंद्रह दिन बाद काउंसलिंग करते, उदे मन च की चल रहा है, उदे मन च बहुत कुछ चल रहा है जो तुहानू पुछना चाहता है, तुहाडे कोल समझना चाहता है, सच्चाई ये तुहानू उहनू समझाण दा, उहनू सही रस्ता दिखाण दा, उहदी प्रॉब्लम साउट आउट करन दा समय नहीं, समय नहीं। ते जदों उहनू समा ना मिलदा तुहाडे कोलों फिर की करदा, फिर बाहर अंदर जांदा, फिर दोस्तां यारां च बैठदा, जिदां दा रस्ता वह दसदे ने उदां दा रस्ता इख्तियार करदा। जे घर दे विच ही मां फ्रेंड बन के तुरे अपने बच्ची दी, प्यो फ्रेंड बन के तुरे, दोस्त बन के तुरे, यार तेरे मन च जो है तू मैनूं दस,
मैं तेरा प्यो नहीं, मैं तेरा दोस्त हाँ, मित्र हाँ। मित्र बन के तुरे, मैं सच कहिंदा जे बार उन्हूं मित्र दी लोड़ नहीं पेगी जदों घर दे विच उहदे मां प्यो मित्र बन जाणगे। आखो सतनाम, नहीं लोड़ पेगी घर मां पे जदों मित्र नहीं बनते, उहदा दुख सुख नहीं सुनते, उहदी फीलिंग्स नूं नहीं समझते ना, वह बार फिर जिदा का भी दोस्त मिलता वह जाके फिर उदा की संगत करता। जो घर च उन्हों एक फ्रेंडली एटमोसफेयर मिल गया, घर च उन्हों मां बाप दे विच एक दोस्त मिल गया, वो क्यों बार भटकेगा, हर सुख दुख घर च शेयर करेगा। ये तेरी रिस्पोंसिबिलिटीज है, काउंसलिंग कर, बच्चे की भावनावां नूं समझ, वो चाहता की है, वो कहना की चाहता, वो अंदर चलता की। कई बार होंगे सत्संगत बच्चा ना बहुत मां को खिजांदा होंदा, प्यो को बहुत खिजांदा होंदा, कहने तो बाहर होंदा, मां बाप को कहती है कि देखो बच्चा इदा किया, अज इन्हें मैनू इदा जवाब दिता, अगर मैं इनू नहीं रोकती तो मैं मार भी दिता, मेरे ते हाथ भी चुक दिता, बड़ा इदा दियां गल्लां। प्यो आके धाड़ धाड़ मारदा दो चार चंडा, तू मां दे अगे अखाणदा, तू मां दे अगे जबान खोल, उन्हें पूछ। जदों बच्चा यो जी प्रतिक्रिया कर रहा है ना, वो खिजा रहा है, औखा कर रहा मापियां नूं, औखा तुहाडे अगे बोल रहा है, समझ लेना उहदे अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है जिस तों वह सैटिस्फाइड नहीं है, और सैटिस्फाइड ना होने के कारण वह अपनी इरीटेशन अपना गुस्सा वह तुहाडे ते कढ़दा पिया। को सतनाम, फिर गुस्सा सही तरीके नाल तां नहीं कढ़िया जा सकता, गुस्सा सही लहजे विच तां नहीं कढ़िया जा सकता, गुस्सा तो फिर माड़े तरीके नाल ही कढ़िया जा सकता। एक मिनट च समझ जाई, इत्थे ड्यूटी अपनी समझी, इत्थे तेरी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है। जदों तू देख रहा ना कि तेरा मुंडा हुण गलत बोली बोल रहा है, गलत चीज अगों वो प्रतिक्रिया गलत चल रही, समझ जाई इहदे अंदर कुछ ना कुछ है, बह जाओ देखो आ बेटा बैठ, दस ये क्यों तू हरकत कर, सच सच दस बेटा, खुल के दस, मैं खुल के दस तेरे अंदर की है, की चाहता की। आपां इह पुछदे नहीं हाँ, पुछण दी बजाय धाड़ धाड़ दो चार मार दे, होर बागी हो जाए, होर बागी हो जाए, बह अद्धा घंटा ला, उहदे दिल दीआं गल्लां कढ़, उहदी भड़ास बाहर कढ़, उहनूं फ्रेंड दी तरह ट्रीट कर, फिर उस तों बाद तू देखी वह बच्चा कित्थे जाएगा। ताई ता साहिब कहिंदे पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, हम बारक मुकद यान, हम बारक मुकद यान, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 बारक मोगे दे यानु, बारक मोगे दे यानु, पिता समझावेंगे, पिता
बारिक मुगदियां पिता समझावेंगे, हम बारिक मुगदियां पिता समझावेंगे, हम बारिक मुगदियां पिता समझावेंगे, हम बारिक मुगदियां पिता समझावेंगे। नानक बारिक कछु न जाने, नानक बारिक कछु न जाने, राखन को प्रभ माई बाप, राखन को प्रभ माई बाप, राखन को प्रभ माई बाप, राखन को प्रभ माई बाप। साहब ने इशारा दिता है, साहब कहते नानक बारक कछू ना जाने, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो रख, ये तेरी जिम्मेवारी बनती है रबा, तू मैं रख। इतने ही अपन ग्रस्त दे विच लेना, एक कॉन्सेप्ट नू सीधा ग्रस्त आश्रम दे नाल मेल कर दे। नानक बारक कछू ना जाने, ना 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 ना, कछू न जान, राखन को प्रभ माई बाप, राखन को प्रभ माई बाप। बच्चा अपनी समझ दे नाल चलता है, ठोकर खांदा, जदों ठोकर खांदा है ना ध्यान देना, उदो मां ने रख के मारना, प्यो ने झिड़का मारनिया, घर ऐसा एटमोसफेयर बना दे। बच्चा अपनी मत दे नाल तुरिया, मार खाधी, तू बच्चे नू बिठा कोल, बच्चे नू कोल बिठा, कोल बिठा के समझाउणा कर कि बेटा तू अपनी मत नाल चलिया, ऐदा मार खाधी, जे यही काम तू ऐदा करदा ऐदा कर लेंदा प्यार दे नाल। मैनू गल याद आई, बॉम्बे साडे रिश्तेदार रहिंदे ने, उन्होंने मैनू गल दसी, कहिंदे मेरे मुंडे ने मैनू कहा जदों जवान होया ना, कहिंदा पापा मैं बिजनेस कर लिया अपना इंपोर्ट दा। वो कहिंदे ते नॉलेज है, कहिंदा जी मैं सीख ली, मैं नॉलेज हैगी, कहते हूँ मैं जो झिड़का मारदा थप्पड़ मारदा बह जा चुप करके, इन्हें मनना ही नहीं, वो जिद्दी सुभा बच्चे है ही जिद्दी, कहते मैं उन्होंने पूंजी दी कर, कहते वह करके आया, छे महीने बाद रिजल्ट आ गया जी, सारी पूंजी डुब गई, आखो सतना पूंजी डुब गई, जिनी पूंजी दी सी डुब गई। कहते मैं ये नहीं क्या किता जी, थाड़ मारिया वह किया वह किया, कहने ना तरीका वेख, कहते बेटा तू जिद की थी, मैं तेन पूंजी दी, कोई गल फेल हो गया ना, आ फिर पूंजी लै थोड़ी, हूँ इदा नहीं इदा काम करी। कहते जो मैं पहली बारी समझा रहा सी, कहिंदा पापा कोई नहीं मैं समझ है मैं कर लूंगा, मैं समझ है मैं कर लूंगा, तुम वेखो सही, तुम वेखो, चंचल मत बारक परे, वो चंचल मत ही है ना, मैं कर, कहते मैं चुप कर गया, कर पूंजी खराब करती। दूजी बारी कहते मैं पूंजी दी, कहते इदा नहीं हूँ इदा करी, आ तरीका नहीं, इस पैटर्न के नाल तू चलिया ये गलत सी, इदा चल। उन्होंने समझ लग गई, पहली बारी मैं अपनी मर्जी की मार खादा नहीं, हूँ प्यो की मर्जी के नाल काम कर ला, कहते मैं फिर पूंजी दी कर, जो दूजी बारी उन्हें काम किया सात संगत मुनाफा होया बहुत घट मात्रा च हो, कहते जो तो बहुत घट मात्रा च मुनाफा हो, कहना मैनू सैटिस्फैक्शन नहीं हुई, पर वह इन्ना खुश होया, कहता पापा वेखो सानू इन्ना बच गया, इन्ना बच गया, भावें थोड़ा जि बचिया, कहते मैं उसकी खुशी दे विच ही बड़ा खुश होया, और उन्होंने इन्ना अप्रीशिएट किया, मैं ये नहीं कहा कि यह की बचिया, इन्नी मेहनत की, इन्नी पूंजी लाई आ, व्याज भी नहीं निकलिया, आ भी नहीं, कहते मैं उन्होंने डिसकरेज कर दिता, ये बोल के मैं उन्होंने हर्ट कर दिता, उन्होंने दुखी कर दिता,
कहने नहीं मैं उसकी खुशी च खुश हो गया। और शाबाश यार बड़ा मजा आया, एडा बच गया, क्या माल हो गया। कहते फिर मैं उन्होंने थोड़ी होर पूंजी दी, कहते अज गुरु नानक की कृपा है, वधदे आ वधदे आ वधदे आ वधदे आ सत्संगत सिरे दे ही पहुंचे आया वो। तो प्यो कहिंदा जिवें पहली बारी अगर जो उन्हें नुकसान किया मैं रख के चपेड़ मारदा, बह जा इत्थे कम करेगा तू, नुकसान करके आ गए तो की बनती गल सत्संग, की बनती नहीं गल बनती। चंचल मत बारक बप, ये साड़ी रिस्पोंसीबिलिटीज कुछ बनती हैं। किस रिस्पोंसीबिलिटीज है? बह के समझाना। अज जे बच्चे अंदर पेशेंस नहीं है ना, मेरी गल फॉलो करो और बुरा ना मनायो। आप कहने ना बच्चे अंदर पेशेंस नहीं रह गया, बच्चे गुसेल हो गए ने, बच्चे इदा हो गए। मापिया अंदर केड़ा पेशेंस रह गया जी, दसो मापिया अंदर केड़ा पेशेंस रह गया, मापिया अंदर केड़ा सहज रह गया। अज देखो बड़े तरीके दे नाल अपने बच्चों को हैंडल करना पैना। अज कोई कहेगा मैं अखां अड के डंडे दे जोर दे अपने बच्चे नूं मैं काबू कर लांगा, नहीं कर सकता, कदे नहीं कर सकता। अपनी ड्यूटीज नूं समझना पएगा। प्यार दी बोली दे विच, सहज दी बोली दे विच उन्हों बिठा के समझाना पएगा। जिवें साहिब कहिंदे ने ना, हम बारक मोगे दे यानू, हम बारक मोगे दे यानू, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे। सुत खिन खिन पोल बिगार, सुत खिन खिन पोल बिगार, सुत खिन खिन पोल बिगार, सुत खिन खिन जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, हम बारक मोगे दे यानू, हम बारक मोगे दे यानू, पिता समझावें चीजें जो अच्छे घर से वरत रही, जिदे करके पेरेंट्स भी दुखी ने, बच्चे भी दुखी ने। ना माँ प्यो ने यह समझ लग रही कि बच्चा क्यों दुखी, ना माँ प्यो ने यह समझ लग रही कि बच्चा क्यों दुखी, तो ना बच्चा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रैस कर सकता पाया माँ प्यो का, ना बच्चा समझा सकता। ध्यान देना, चित किया कि इस विषय में आप जरूर छेड़ी। हर घर के अज मापे, कोई विरला घर होएगा जिथे बच्चों तो मापे प्रसन्न है, पर तकरीबन हर घर के अज दुखी ने अपने बच्चों तो। ज्यों ज्यों बच्चा वड्डा होंदा जा, हुण स्कूल दे विच गया, कॉलेज दे विच गया, हर थां ते तू उहदे नाल नहीं रह सकदी मां, बाप तू हर थां ते उहदे नाल नहीं रह सकदा। वो बाहर नौकरी करन लई गया, भावें बॉम्बे, भावें मद्रास, चेन्नई, किते भी गया, भावें अबरॉड गया, हुण इत्थे तेरी रिस्पोंसिबिलिटी की बनती है? मां कहेगी जी मेरी रिस्पोंसिबिलिटी तो खत्म, मैं तां उहनूं पढ़ाया लिखाया ते भेज दित्ता, जा नौकरी कर या होर हायर स्टडीज कर, हूँ इस तो बाद मेरी की रिस्पोंसिबिलिटी रहेगी जी? नहीं, इत्थे भी तेरी रिस्पोंसिबिलिटी खड़ी है कि जे बाहर जाके वो अपनी सिक्खी तो दूर हो गया, जे बाहर जाके अपने सिद्धांतों तो दूर हो गया, मां इत्थे तेरी रिस्पोंसिबिलिटी कुछ नहीं है,
कुछ नहीं। तो मां कहेगी मैं की कर सकती हूँ, वो बाहर इंग्लैंड बैठा है, वो बाहर कनेडा बैठा है, अमेरिका बैठा, मैं इंडिया बैठी, मैं की रिस्पोंसिबिलिटी पूरी कर सकती हूँ। उत्थे एक रिस्पोंसिबिलिटी बड़ी वड्डी है, बड़ी वड्डी, उहदे आले दुआले रामकार खिच दे, रामकार चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई फिर किसी किस्म का दुख तेरे बच्चे नूं नहीं आएगा। हुण रामकार की है जी, बच्चा पावे कनेडा बैठा, इंग्लैंड बैठा, आस्ट्रेलिया बैठा, बॉम्बे बैठा, पुणे बैठा, जिथे मर्जी बैठा, तू इत्थे बह के, इत्थे बह के गुरु की बाणी का सहारा लै, उहदे लई नितनेम वधा, उहदे लई बाणी पढ़। जिथे तू नहीं पहुंच सकती ना मां, जिथे तू नहीं पहुंच सकता बापू, उथे बाणी पहुंच के तेरे बच्चे की सहायता करेगी। आखो सतनाम, उथे तेरा गुरु पहुंच के तेरे बच्चे की सहायता करेगा, राखी करेगा। तू नहीं जा सकती कनेडा ना, तेरा गुरु वरत सकता है। तू नहीं जा सकती अमेरिका ना, तेरा गुरु वरत सकता है। सच्चाई कह रहे दास, मैं अपनी अखी वेख, संगी सिगे साडे, बच्चा कनेडा, अज वह फिजियोथरैपी का साध संगत डॉक्टर है, वड्डा वड्डा डॉक्टर है कनेडा दे, कैलगरी दे, जदों पढ़ाई नहीं गया, हुण मां उस वेले इंडिया सी, हुण मां उहदे कोल ही, मां इंडिया दे विच, वह पढ़ाई नहीं गया, जदों उहदे पेपर आण लगण, इत्थे मां ने पैरा रख देना, लड़ियां चला देनी, बाणी का सहारा, जदों उहदा पेपर आना, वह पेपर दे जाना, इत्थों मां ने उहदी सहायता करनी, सहायता किहदे नाल करनी, रामकार खिच देनी। आखो सतनाम, उहने साहिब नूं कहना मां ने, सच्चिया पातशाह मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं पहुंच सकती, मेरी पहुंच नहीं है एडी दूर तक, तेरी तां है ना, दुनिया के कण कण दे विच तेरी पहुंच है, हर थां ते तेरी पहुंच है, जर्रे जर्रे दे विच तेरी पहुंच है, मालका मेरे बच्चे की सहायता। एक बारी तो उहदा बच्चा साध संगत आ मैनूं दस्सिया, हुण मां ने बहुत तेज बुखार, मामिया कोल सी, उत्थे तबीयत बहुत बिगड़ गई, हुण मां इत्थों की करे जी, मां कहे हुण मैं दसो की कर सकदी, मेरी की रिस्पोंसिबिलिटी बनती, और मां बनती, तेरी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है, जरूर बनती है, इत्थे बैठे तू वह काम कर, उत्थे उहदी सहायता च उहनूं भेज दे जिहड़ा सब कुछ कर सकदा है। आखो सतनाम, सब कुछ कर सकता। आप पढ़ते नहीं, सतगुर पूरा वैद है, वो पूरा वैद है, जिथे मर्जी पहुंच के इलाज कर सकता है। इत्थे बह के उस मां ने अपने पुत्र प्रति दर्द रखिया, दर्द रखे, आ रिस्पोंसिबिलिटी निभाई उन्हें, आ रिस्पोंसिबिलिटी निभाई, इत्थे दर्द रखिया, कई कई दिन उन्हें सुखमणी साहब सत्संग निरंतर अठ अठ नौ नौ घंटे किन्ने ही पाठ रोज करने, रोज सवेरे लड़ी शुरू करना, राती अरदास करनी, सच्चे पातशाह कृपा करी। ओ उथे कल्ला है, मैं कोल नहीं, तू मां है, तू प्यो है, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के, तुसी प्रतपालना करो मां प्यो बन के। सच्चाई जे साध संगत, दवाई कनेडा तो लै रहा सी, पर उस दवाई का असर इतों इंडिया तो हो रहा है। आखो सतनाम, यह रिस्पोंसिबिलिटी। पिछले दो दीवाना दे विच असी सतगुरु जी ने सिर ते हाथ रख के सेवा ली, रिस्पोंसिबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन टूअर्ड्स देयर पेरेंट्स, हुण दीवान आरंभ होया है रिस्पोंसिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स टूअर्ड्स दे चिल्ड्रन। ग्रस्त है ना, हरेक की रिस्पोंसिबिलिटी बनती है, और धन कहो और माण करिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज के, हरेक की जिम्मेवारी, हरेक की जिम्मेवारी साहब ने बाणी च दर्शाई है, हरेक की रिस्पोंसिबिलिटीज का जिक्र किया, हरेक का फर्ज, हरेक नू याद कराया है सत संगत जीओ। वो वक्री गल, असी मनीए असी ना मनी, मन लवेंगे तो सुखाला ग्रस्त आश्रम साडा तुरेगा,
नहीं मनांगे तो सड़ना करीजना तो अज लगे ही होए है, लड़ाई झगड़े तो लगे ही होए ने, लगे ही अज रिस्पोंसिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड्स द चिल्ड्रन चल रही है। उन्होंने बच्चों के लिए हाले जिन्हों का विआह नहीं होया, विआह तो पहले पहले अगले दीवाना दे विच जिन्हों बच्चों का विआह हो गया उन्हां प्रति जदों मुंडे का विआह होया तो नूह जुड़ गई नाल, धी का विआह होया जवाई जुड़ गया नाल, उत्थे आके मापिया की की जिम्मेवारी बनती है, उत्थे मापिया की की जिम्मेवारी। अज दे विच सतगुरु जी ने सेवा लई साध संगत असी अपनी जिम्मेवारियां तो भज रहे, अज क्यों साडा ग्रस्त मैं कई थां ते देखदा उजड़दा जा रहा, क्यों घर घर च कलेश, क्यों क्यों घर घर च झगड़े ने, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, क्यों? क्योंकि आपां अपनी रिस्पोंसिबिलिटीज नूं समझ नहीं रहे, ना पेरेंट्स अपनी रिस्पोंसिबिलिटीज नूं समझ रहे, ना चिल्ड्रन्स अपनी रिस्पोंसिबिलिटीज नूं समझ रहे, ना मापे अपनी रिस्पोंसिबिलिटीज नूं समझ रहे जिम्मेवारी नूं, ना बच्चे अपनी जिम्मेवारी नूं समझ रहे, तां करके आ झगड़े ने अग ने। जदों गुरु आशय मुताबक अं समझांगे ना, गुरु आशय मुताबक, तो फिर साध संगत जीओ इस ग्रस्त दे विच ही स्वर्ग है, इस ग्रस्त दे तैनू बाहर किते भालण दी स्वर्ग दी लोड़ नहीं, तेरा ग्रस्त ही तेरे घर ही स्वर्ग बन जाएगा, घर दे विच ही सुख माणेगा, फिर घर सुख वसियां वाली गल बन जाएगी। सच्चे पातशाह कृपा करन साहिब की कहिंदे, हम बारक मौके दे आनू, हम बारक मौके दे आनू, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, हम बारक मौके दे आनू, समझावेंगे, पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन भूल बिगाड़, सुत खिन खिन भूल बिगाड़, जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, हम बारक मौके दे आनू, हम बारक मौके दे समझावेंगे, पिता समझावेंगे। एक अखीरली गल करके फिर समाप्ति है जी। आ देखो बाणी दे विच मां प्यो दे फर्ज, मां प्यो दी रिस्पोंसिबिलिटी, एक मां दी चाहत वेखो साहिब कहिंदे, आ मां तेरी चाहत होनी चाहिए। साहिब कहते जिस सिमरत सब किल बिख नासे, पितरी होए उधार, सो हर हर तुम सद ही जापो, जां का अंत तूता माता की आसीस, कहते निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो। मां दे प्रति एक फर्ज दसिया साहब ने, मां तेरी चाहत होवे, अज मां नूं पता ही नहीं मेरा बच्चा कर की रहा, क्योंकि मां कोल समय ही नहीं, अज मां नूं पता ही नहीं कि बच्चा किस ट्रैक ते जा रहा, मां नूं ये दर्द ही नहीं कि मैं बच्चे नूं
गुरमत दे नाल भी जोड़ साहब कहिंदे ए दुनिया की हर मां का किरदार होवे हर मां की रिस्पोंसिबिलिटी बनती है अंदरों तेरी फीलिंग अपने बच्चे लिए की होवे जिस सिमरत सब किल विखनासे पितरी होए उदारो सो हर हर तुम सद ही जापो मेरे बच्चिया सो हर हर तुम सद ही जापो जाका पूता माता की आसीस आसीस की है अंदरों तेरी फीलिंग बने अपने पुत्रा लिए अपने बच्चिया लिए अपनी धिया लिए कि मेरी चाहत है मेरे बच्चिया निमक ना बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश अज मां तेरे अंदर आ एक जज्बा होना चाहिए तेरे अंदर एक चाहत होनी चाहिए है कि तेरा बच्चा गुरु दे नाल जुड़े और मैं सच कह दिया जेड़ा बच्चा गुरु दे नाल जुड़िया जेड़ा बच्चा गुरु सिद्धांतां दे नाल जुड़िया जेड़ा बच्चा अमृत वेले दे नाल अमृत बाणी दे नाल अमृत दे नाल जुड़िया बाणी बाणे दे नाल जुड़िया ओ गुरु लई भी वफादार होएगा ओ कौम लई भी वफादार होएगा सच मां सच बापू तेरे लई भी वफादार होएगा को सतनाम तेरे लई भी वफादार अज तुकतुकी लगी रहिंदी मां पिया नूं तुकतुकी और हरेक दी जबान च होंदा पता नहीं की चन चाड़ेगा सानू नहीं उम्मीद इहदे कोलों आम तौर पर मावां नूं कहा गया सुन दिया आम तौर पर मावां नूं ए सुनदियां नूं कहा गया पिता नूं सुनदियां नूं कहा गया ओ कहिंदे ने आम तौर पर मां प्यो कह दिंदे ने कहिंदे पता नहीं की करेगा जी की चन चाड़ेगा कोई उम्मीद नहीं क्यों तैनूं उम्मीद नहीं क्यों क्यों उम्मीद नहीं क्योंकि तू धुरे नाल जोड़िया ही नहीं अपने बच्चे जे धुरे नाल जोड़ देंदी ना और छड तू हुण उम्मीदां नूं हुण बेफिक्र हो जा बेफिक्र हो जा ओ कौम दा भी वफादार रहेगा ओ गुरु दा भी वफादार रहेगा सिद्धांतां ते पक्का रहेगा मां सच बापू ओ तेरा भी वफादार रहेगा पर अपनी ड्यूटीज अपनी रिस्पोंसिबिलिटीज नूं संभाल ख्वाहिश ता रख मेरे बच्चिया सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत मैं वेखना चाहती हाँ तू गुरमुखां दी टोली च बैठिया कर तू कीर्तन करन वालियां दी टोली च मैं भी वेखना चाहती हाँ और मेरे भी हिरदे की ख्वाहिश है तू भी साज फड़ के कीर्तन कर ये मैं तेनू वेखना चाहती हाँ कीर्तन कर दिया ख्वाहिश रख मां रख साहब कहिंदे आ ड्यूटीज किहदी ने पिता समझावेंगे ये मां प्यो दा फर्ज है बारक तो ही आना है बारक तो ही आना है बारक तो साध संगत नहीं समझता वो तो सर्प अगन कर मेल है वह तो सप नू ते अग नू खेड़ समझ के हाथ पाण लगता पर माता पिता कंठ लाए रख है वो जो कंठ ना ला लेंदे ने नहीं बेटा ये हाथ पाण लगा ये अग है साड़ देगी ये सप है मार देगा नहीं आ गलत है फिर कंठ ना ला देंदे सच जाने हो फिर आनंद सहज तब खेल है फिर वो तां सहज दी ते आनंद दी खेड़ खेड़ जदों माँ प्यो उन्हों संभाल लेंदे ने माँ प्यो सही रस्ते च पा देंदे ने इयाणी मत नूं सियाणा कर देंदे ने ताई साहिब कहिंदे ने मेरे साहिबा अंबारक मुके दे ज्ञान अंबारक मुके दे ज्ञान पिता समझावेंगे पिता समझावेंगे अंबारक मुके दे ज्ञान सारे करो कृपा बोलो अंबारक मुके दे ज्ञान पिता समझावेंगे पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार सुत खिन खिन भूल
जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, हम बारक मुगद ज्ञान, हम बारक मुगद ज्ञान।